एक बार की बात है, तीन चोर थे जो साथ साथ चोरी करते थे। एक दिन उन्होंने गांव के किसी बड़े सेठ के यहाँ चोरी की और खूब सारा धन चुरा लिया और जंगल की तरफ भाग गए। वो एक नदी के किनारे पहुँचे, लेकिन उनको भूख लग गई। उनमें से एक चोर पास के दूसरे गांव में खाने का सामान लेने चला गया, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं उनके खाने में जहर मिला दूं, तो सारा का सारा धन मेरा हो जाएगा और इससे मैं ऐश करूंगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बाकी के दोनों चोरों के मन में भी लालच आ गया। वो भी यही चाहते थे कि अगर हम दोनों इसे मार दे तो आधा आधा धन हमें मिल जाएगा। सभी ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली थी। जैसे ही तीसरा चोर भोजन लेकर पहुंचा, तो बाकी के दो चोरों ने तीसरे चोर के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसको मार दिया। लेकिन जैसे ही वे भी भोजन करने के लिए बैठे, तो वो भी मर गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।